किए हैं। बॉलीवुड के सबसे महंगे तलाक माया नगरी की चकाचौंध भारी दुनिया के एक हिस्से में रिश्तों के बनने बिगड़ने का सिलसिला भी चलता रहता है। यहाँ अब हालात कुछ ऐसे हैं कि किसी के अफेयर की बातों पर भी कोई जल्दी विश्वास नहीं करता, क्योंकि दर्शकों को पता है कि ये सब भी पब्लिसिटी स्टंट होते हैं। लेकिन बॉलीवुड कपल्स के तलाक कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं, किसी आम आदमी की तरह ही इनको भी तलाक लेने में नानी याद आ जाती है। अब क्योंकि ये लोग बहुत अमीर होते हैं, इसलिए इन्हें हर जाना भी उसी हिसाब से भरना पड़ता है। तो आज हम आपको बॉलीवुड के कुछ बेहद महंगे तलाकों के बारे में बताने जा रहे हैं। आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना। रानी मुखर्जी से शादी करने से पहले आदित्य चोपड़ा और पायल खन्ना ने तलाक के लिए कोर्ट में एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। शायद आपको पता न हो, लेकिन ये मसला इसलिए कोर्ट में इतना लंबा खींचा क्योंकि पायल आदित्य से बहुत ज्यादा पैसे मांग रही थी और उनको वो मिले भी। कहते हैं कि पायल को इस तलाक के बाद काफी पैसे मिले और ये बॉलीवुड का सबसे महंगे तलाक में से एक है। करिश्मा कपूर और संजय कपूर। करिश्मा और संजय की शादी 2003 में हुई और जल्द ही दोनों अलग हो गए, लेकिन इनके तलाक लेने की प्रक्रिया बहुत लंबी चली। इस बीच करिश्मा पर ये आरोप भी लगा कि वो पैसों के लिए ये सब कर रही है। करिश्मा को इस तलाक के बाद 7 करोड़ रुपए का हर्जाना मिला। संजय दत्त और रिया पिल्लई। ऐसा कहा जाता है कि संजय दत्त और रिया तलाक से पहले से ही किसी और के साथ थे। संजय का रिश्ता मान्यता के साथ था और रिया का लिएंडर पेस के साथ। आखिरकार दोनों में तलाक हुआ और संजय को रिया को 7 करोड़ का हर्जाना देना पड़ा। आमिर और रीना। आमिर और रीना की शादी 1986 में हुई थी और 2002 में दोनों अलग हो गए। ऐसा कहा जाता है कि रीना ने हर्जाने के रूप में लगभग 50 करोड़ रुपए मांगे थे। ऋतिक रोशन और सुजैन खान। जब ऋतिक और सुजैन के तलाक के बारे में पता चला तो सभी हैरान हो गए। सुजैन ने हर्जाने के रूप में ऋतिक से 400 करोड़ रुपए मांगे थे। अभी तक तलाक की वजहों का पता नहीं लग पाया है। यहाँ शादी करना तो